नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सभी कैसे हैं, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन किन पांच चीज़ों का दान करना अति शुभ होता है। इन पांच चीज़ों के लिए स्नान करने से आपका सोया भाग्य जाग जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगा, सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों इस साल मकर संक्रांति पर आप इन चीज़ों का दान जरूर करें, पूरा साल आपका अच्छा बीतेगा। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य इसी दिन धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन को सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण का दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक दिन है। सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाता है। इस दिन जब तब दान और गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति को हजार गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों मकर संक्रांति का दिन अति शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमान होती है। अंत इस प्रकार में देव का त्याग करने से, शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है, वह मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। उनका अंतिम श्राद्ध भी सूर्य की उत्तरायण काल में हुआ था। दोस्तों इस दिन तिल गुड़ के लड्डू और खिचड़ी खाने का महत्व होता है। इस त्यौहार को लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं, वहाँ पर इस दिन खिचड़ी बनाया और खाया जाता है। बिहार में इस दिन दही चूड़ा खाने का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि आज मकर संक्रांति के दिन क्या कार्य करें कि आपका आने वाला पूरा साल सुखमय हो, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे और सुख शांति पूर्वक संपूर्ण जीवन जीने के बाद जब आपकी मृत्यु हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले आप सूर्य उदय के पहले उठें। चाहे आप हर रोज देरी से सोकर उठते होंगे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी को चाहिए कि वे सूर्य उदय के पहले ही उठ जाएं। दोस्तों किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति इस दिन सूर्य उदय के पहले ही उठे। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर गए हैं तो आप तीर्थ स्नान मौन होकर ही करें। यदि आप तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर तिल मिलाकर स्नान करें। दोस्तों स्नान के समय आप मौन रहे, कुछ भी बोले ना। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और नित्य कर्म करें। इसके बाद आप एक खाली में चावल, दाल, गुड़, तिल, देसी घी, नमक, हल्दी, कुछ सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, मटर की फली रखें। इसके बाद आप सब्जी में डालने के लिए थोड़े थोड़े मसाले भी रखें, दक्षिणा की रखें। इस सभी चीज़ें आप अधिक और थोड़ा कम भी रख सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार थाली में रखें या फिर परात में रखें और फिर चीज़ों को स्पर्श करें। आप अपने हाथ इन सभी दान की चीज़ों पर फेरें और ये सभी चीज़ों को गरीब को दान कर दें या फिर ब्राह्मण को दान करें। मकर संक्रांति के दिन सुहागिन महिलाएं 14 की संख्या में सुहाग की चीज़ों का दान करें, जैसे कि 14 दिन 14 सिंदूर के डिब्बी, 14 महिलाओं को अलता के पैकेट दान करें। मकर संक्रांति के दिन अगर आप चाहे तो 14 कंबल, 14 चादर, 14 छाते, 14 जूते दान कर सकते हैं। इन सभी का दान आप अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही करें। यदि सामर्थ्य हो तभी कंबल, बेडशीट आदि का दान करें, नहीं तो आप दाल, चावल, नमक, देसी घी, हल्दी का दान जरूर ही करें। ना भी अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं, गरीबों को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो आपका सोया भाग्य जाग जाएगा, सफलता आपके चरणों को चूमेगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर और आप पर हमेशा बना रहेगा।
दोस्तों आप मकर संक्रांति पर दान पुण्य जरूर करें, इससे आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय सूर्य देव। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।